पे मैदान होगा, वहाँ पे उसके स्कूलों में बच्चों को ट्रैफिक के जो नियम है, रूल्स हैं, उनको पालन करने की शिक्षा भी दी जाएगी, उनको बताया भी जाएगा। जो ड्राइवर्स हैं हमारे, उनका 100 का परीक्षण भी कराएंगे, उनका आई टेस्ट भी कराएंगे, कंप्लेंट कट रहे होंगे, इससे हम लोगों ने परीक्षा का भी रखा हुआ है। जो हम लोग खासकर कोई समृद्ध परिवार से रहता है, और मुझे लगता है कि उसके पिताजी का यही स्टैंड 23-24 साल की उम्र में जब उन्होंने लिखा फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, उसको अगले 1-2 साल में उसका टीचर सिलेक्शन हुआ, आज जनपद में अपना जिलाधिकारी है। तो हमें अपने बच्चों को इस तरीके से भी ख्याल रखना, और बाकी हमें अपनी पूरी सुरक्षा रखते हुए जब भी हम सड़क पर जाए, जो भी ट्रैफिक रूल्स हैं वो सब हम लोगों के लिए बनाए गए, उसमें कहीं कोई ऐसा नहीं है कि इसमें सरकार का बहुत बड़ा हित है। सरकार इसलिए ये सब नियम बनाती है कि जीवन रक्षा, जीवन अमूल्य है, उसकी कोई कीमत नहीं, और जो जुर्माने तय की कार्रवाई की जाती है वही इसीलिए लोग उससे ही डर के अपना नियम का पालन करें, और निश्चित रूप से अगर नियम का पालन करेंगे तो सबसे पहले तो दुर्घटना नहीं होगी। किसी कारणवश मान लीजिए किसी दूसरे की गलती से दुर्घटना हो गई और आप पूरी तरीके से सुरक्षित है, हेलमेट वगैरह लगा रखा है, तो कम से कम जीवन नहीं जाएगा, तो जीवन बचा रहेगा, सब कुछ बचा है। तो आप जितने लोग आए हैं सब स्वयं ध्यान रखिए, अपने परिवार को इसके लिए प्रेरित करें, आस पास अपने मोहल्ले वालों को प्रेरित करें, और इस पूरे यातायात माह के माध्यम से मैं अपने सभी जनपदवासियों को भी ये अनुरोध करना चाहूँगा कि वो ट्रैफिक रूल्स का पालन करें। थोड़ा समय लग जाए कोई बात नहीं, स्पीड से गाड़ी ना चलाएं, जो ट्रैफिक नियम है उसका पालन करते हुए वाहन चलाएं, और अपने परिवार का जीवन रक्षा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।